Hello everyone. In previous class, we discussed about the V-curve and inverted V-curve of three-phase synchronous motor, as well as we also discussed what is hunting and its elimination methods. So in this lecture, we will study about the phasor diagram of three-phase synchronous motor as well as the equivalent circuit of the three-phase synchronous motor, or we can draw the per-phase equivalent circuit. After this, we will move on. The next topic is synchronous motor on on-load condition with constant excitation or with variable excitation. इसमें हम देखेंगे दो कंडीशन जब हमारा एक्साइटेशन कांस्टेंट रहेगा और दूसरी वाली कंडीशन में जब हमारा एक्साइटेशन जो है वो वेरिएबल रहेगा. नेक्स्ट, अंडर एक्साइटेशन, क्रिटिकल एक्साइटेशन एंड ओवर एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, इन तीनों कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कब जो है वो सिंक्रोनस मोटर हमारी अंडर एक्साइटेशन कंडीशन में रन करेगी, कब क्रिटिकल और कब वो ओवर एक्साइटेड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी या ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में रन करेगी. एंड फाइनली द रेफरेंसेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो इन दिस लेक्चर वी कवर ऑल दिस टॉपिक वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक वन, फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर. फॉर फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर, firstly, we understand the operation of synchronous motor. So just recall the DC motor back EMF concept. The back EMF EB act in opposite direction to the supply voltage V. EB is due to generator action in motor. In synchronous motor also, back EMF is produced in the stator conductors. Consider a synchronous motor connected to the supply, so in figure. The rotor is rotating in clockwise direction. The stator conductors are stationary. These conductors will cut the rotating flux of the rotor. So an EMF is induced in these conductors. This EMF, as per Lenz's law, opposes the cause of producing it. So the cause of producing it is supply voltage V. So this back EMF EB act in antiphase with V. तो सिंपल सा हमें एक फेजर डायग्राम जो हमारा बनेगा वो एक सिंगल लाइन में बनेगा. अगर हम EB को रेफरेंस लेते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट जो है वो V वेक्टर बनेगा. The waveforms are as below. This is the circuit diagram for three-phase stator or three-phase armature winding. So the phase value of E, B and V show in a figure means the phase value of back EMF and the supply voltage both are opposite to each other. तो जो फेजर डायग्राम हमारा बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनेगा. दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर थ्री फेज आर्मेचर वाइंडिंग, और जिसको हमने स्टेटर पे प्लेस्ड किया हुआ है. सो द फेजर डायग्राम विल बी एज बिलो. So, जो बैक ईएमएफ हमारा जनरेटेड होगा वो सप्लाई वोल्टेज को अपोज करेगा. तो ये जो वेक्टर डायग्राम हमारा बन रहा है ये हमारा स्टेट लाइन हमें मिलेगा. दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर. द अबव फेजर डायग्राम इज आल्सो नोन एज नो लोड फेजर डायग्राम फॉर सिंक्रोनस मोटर और आइडियल कंडीशन. ये फेजर डायग्राम हम कब बनाते हैं? जब हमारा जो सिंक्रोनस मोटर है उस पर कोई लोड नहीं होता. नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे ऑन लोड कंडीशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर. नेक्स्ट टॉपिक अभी हम देखने वाले हैं. तो ये जो फेजर डायग्राम है ये हमारा
नो लोड का फेजर डायग्राम है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सो द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर 4। इन फिगर 4A द आर्मेचर सर्किट एंड फिगर 4B इज अ फील्ड सर्किट। तो जो पहला वाला डायग्राम बना हुआ है ये पर फेज के लिए हमने बनाया है। दिस इज फॉर आर्मेचर साइड एंड दिस इज फॉर फील्ड साइड। तो आर्मेचर साइड का हमारे पास एक वोल्टेज रहेगा, आर्मेचर करंट IE हमने रिप्रेजेंट किया है, RA इज कॉल्ड द आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड XS इज कॉल्ड द सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड EB इज कॉल्ड द बैक EMF। इन केस ऑफ फील्ड सर्किट द फील्ड वाइंडिंग आल्सो हैज अ रेजिस्टेंस नोन एज RF इज कॉल्ड द फील्ड रेजिस्टेंस एंड द DC सप्लाई कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंग एंड द करंट IF इज नोन एज द फील्ड करंट। The three phase AC supply V is given to the stator winding. The armature resistance and synchronous reactance is represented by RA and XS respectively. The back EMF EB is induced in the stator winding due to the field winding flux or excitation. The back EMF EB is also known as excitation EMF. An equivalent circuit, the field winding circuit is also shown. The field winding resistance is RF and the field winding is connected to the suitable DC supply. It's carry the field current or excitation current IF. So this is all about the equivalent circuit of synchronous motor, or we can say that per phase equivalent circuit of synchronous motor. The next topic is synchronous motor on on-load condition. The moment some load is put on the motor, its speed decreases momentarily, but it continues to run at synchronous speed. Figure 5 show the two diagram A for no load condition and diagram B for loaded condition. No load condition में जो हमारा load angle delta is called the load angle. Normally जो हम load angle है हमारा वो हम delta से उसको represent करते हैं, तो delta जो है वो हमारा load angle है। तो for no load condition में क्या होता है, no load condition में जो load angle की value होती है वो zero होती है, बट जैसे ही हम यहाँ पे लोड बढ़ाते जाते हैं या लोड हम इस पे अप्लाई करते जाते हैं मोटर पे, तो हमारा लोड एंगल डेल्टा है वो चेंज होता है। सो फर्स्ट वन, सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड कीपिंग एक्साइटेशन इज कॉन्स्टेंट। No load condition, the pole axis of the stator and rotor coincide and the rotor rotating at synchronous speed. In loaded condition, the pole axis do not coincide. The rotor fall back by an angle delta known as load angle, but continue to run at synchronous speed. So the resulting or resultant voltage ER is equal to V minus of EB is equal to zero at no load condition, and the current I is equal to V minus EB divided by ZS is equal to zero at no load or ideal condition. Now, when motor is loaded, come in play, the angle delta is called the load angle or angle of lag. The waveform is now shifted by an angle delta. The phasor diagram is drawn as a figure B. This is called the figure A
for no load condition and this is called the diagram B for loaded condition. तो हम देख पा रहे हैं कि नो लोड कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज है उसी के फेस में हमें यहाँ पे बैक ईएमएफ मिल रहा है क्योंकि हमारा जो है लोड एंगल डेल्टा है वो जीरो है. बट इस कंडीशन के केस में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज है उसके अपोजिट नहीं रहेगा ईबी, वो हमें कुछ एंगल पे मिलेगा. ये देखिए आप फेजर डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ईबी ए ये कुछ एंगल पे मिलेगा. ये डेल्टा जो होता है इसको हम लोड एंगल बोलते हैं. तो ये लोड एंगल से हमें EB मिलेगा लोड एंगल के बाद. तो जब हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे ER. ER is called the resultant vector. Thus, EB is no longer in antiphase with V, but gets shifted by an angle delta. The resultant of V and EB is ER. If the load on the motor is increased, then the load angle is increased. बहुत ही सिंपल सा है. अगर हम लोड बढ़ाते जाएंगे मोटर पे तो हमारा ये लोड एंगल है और इंक्रीज होता जाएगा और वेक्टर हमारा और ऊपर जो है वो जाता जाएगा. The current drawn from supply is to be shown in a phasor diagram. The resultant voltage available across the stator winding is ER. The winding is highly inductive and the resistance is very small. So current I lags ER nearly by 90 degrees. This angle is denoted by theta. Theta is known as internal angle. Theta can be found from impedance delta of the winding and R is negligible. So we can see that theta is nearly equal 90 degree. And the formula of theta is equal to tan inverse XS divided by RA by using power triangle or impedance triangle. The angle between V and I is known as power factor angle phi. Thus, delta means load angle or angle of lags. It depends on load and delta increase as load is increased. तो जो delta है वो load पे depend करता है. Directly proportional हम बोल सकते हैं. जैसा जैसा हम load बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो load angle है delta है वो बढ़ेगा. Theta, theta is equal to internal angle. Then the angle between ER and IA. It is the constant for any load condition. तो जो internal angle है वो constant होता है, load पर depend नहीं करता. Phi is equal to power factor angle, the angle between V and I. This phasor diagram is important for understanding V curve of synchronous motor. So we know that the current I is equal to V minus EB divided by ZS, or we can say that V minus EB का resultant हमारा ER है, so is equal to ER divided by ZS. Or we can say that ER is equal to I into ZS. As load increase further, the load angle delta increase and the resultant voltage ER increase and the current drawn by the motor I is equal to ER by ZS increase to the supply more torque to give more output and so on. In figure 8, for increased load, the angle delta has increased. This is the figure 8. Phasor diagram for higher load. जैसे जैसे हम load को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोड को इंक्रीज करते जाएंगे तो पहले वेक्टर हमारा यहाँ था, लोड को इंक्रीज किया तो डेल्टा ज्यादा हो गया तो वेक्टर यहाँ हुआ और फिर यहाँ आ गया. तो ये जो फेजर डायग्राम है ये हमारा है फॉर हाईली लोड के लिए या हायर लोड के लिए फेजर डायग्राम है. डेल्टा इज मोर एंड ई आर इज मोर देन करेंट आई इज मोर फॉर मोर लोड.
तीनों एंगल के बारे में हमने अभी डिस्कस कर लिया, डेल्टा लोड एंगल है, ये इंटरनल एंगल है और ये हमारा पावर फैक्टर एंगल है फाइ। इफेक्ट ऑफ एक्साइटेशन ऑन ईवी कीपिंग लोड कांस्टेंट। अभी हमने क्या किया था, ऑन लोड कंडीशन में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। पहली वाली कंडीशन में हमने एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखा था और लोड को वेरी किया था। इस कंडीशन में हम क्या करने वाले हैं, लोड कांस्टेंट रखने वाले हैं और एक्साइटेशन को वेरी करने वाले हैं। ईबी इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ रोटर फील्ड। द रोटर फील्ड करंट और एक्साइटेशन कैन बी एडजस्टेड टू एनी डिजायर्ड वैल्यू बाय सुटेबल अरेंजमेंट। इफ द एक्साइटेशन ईबी इज इंक्रीज्ड and if excitation EB is decreased, so we will draw these effect in phasor diagram. जैसे ही हमारा excitation बढ़ेगा तो EB भी बढ़ेगा, और excitation अगर कम होगा तो हमारा back EMF भी जो है वो कम हो जाएगा। So we are assuming constant load on motor, so the load angle delta is same value. चूंकि हमारा load constant रहेगा तो delta भी हमारा जो है वो constant में मिलेगा। So diagram A show the less excitation, EB is less, and diagram B more excitation, then more EB, then phi 2 is less than to phi 1, then power factor improve. So this is diagram 1. इसमें हम देख पा रहे हैं कि अगर हमारा excitation कम है तो EB भी हमें कम मिल रहा है, और इसमें हमने excitation को बढ़ा दिया है तो EB जो है वो हमें ज्यादा मिल रहा है। एंगल दोनों का जो है वो सेम है क्योंकि लोड कांस्टेंट है। हम बात कर रहे हैं यहां पे इसकी मैग्नीट्यूड की। और पावर फैक्टर एंगल आप देख सकते हैं, लेस एक्साइटेशन में पावर फैक्टर जो है वो हमें पुअर मिलता है, और एक्साइटेशन अगर हम बढ़ा देते हैं तो हमें जो पावर फैक्टर मिलता है वो हमारा इंप्रूव्ड फॉर्म में मिलता है। वो हम यहां से देख सकते हैं, देखिए वी और आई के बीच का एंगल यहां पे ज्यादा है और यहां पे बी और आई के बीच का एंगल फाई काफी कम। इंपॉर्टेंट नोट, द लोड एंगल इज कांस्टेंट बिकॉज द लोड इज कांस्टेंट। थीटा इज इंटरनल एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री। It is seen that power factor angle change from phi 1 to phi 2, that is phi 2 is less than to phi 1, or we can say the power factor is improving, means cos phi 2 is greater than to cos phi 1. Now further increase in excitation, the EB increase further, but the power factor become leading. Thus the power factor of the motor can be controlled by controlling field current or excitation current. So this is the phasor diagram for leading power factor, or we can say that the over excitation condition of synchronous motor. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हमारी सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड कंडीशन में वर्क करती है तो वो एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर की तरह एक्ट करती है और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज होती है। नाउ द नेक्स्ट इज अ कांस्टेंट लोड एंड वेरिएबल एक्साइटेशन। अब हम लोड को कांस्टेंट रख रहे हैं और एक्साइटेशन को अब हम चेंज करेंगे। तो इस कंडीशन में हमें वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व मिलता है, जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वाली क्लास में स्टडी कर लिया है कि वी कर्व को हम वी कर्व क्यों बोलते हैं और वी कर्व जो है वो किस किस एक्सिस के बीच में बनता है। फॉर दिस मोड ऑफ ऑपरेशन द लोड एनहेंस द लोड एंगल डेल्टा इज कॉन्स्टेंट and the excitation means the field current IF is varied from minimum to maximum value. The load on motor is constant, so it is giving constant output, and the input power should also be constant. The input power is equal to V into I into cos phi per phase. ये single phase के लिए 3 phase है तो 3 से multiply कर देंगे. Supply voltage V is constant, so
I cos phi component should remain constant. EB changes as per the excitation, that is the field current IF. The phasor diagram are drawn considering above condition. The excitation is minimum, the current I lag through voltage V by some angle phi, that is the power factor angle. Since I cos phi components is constant, the length of the intercept I cos phi should remain constant. This intercept is marked by vertical line AA dash. For all the cases, the tip of the current I will be on AA dash line, that is I cos phi line. देखते हैं हम ये वाला फेजर डायग्राम. So this is the diagram. AA dash, this is called A and A dash. A to A dash show the components I cos phi. ये सारे के सारे वेक्टर्स जो डायग्राम है उनको हमने एक ही कंपोनेंट के साथ कंसीडर करके ड्रॉ कर लिया, क्योंकि I cos phi ये जो है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, इसी को रिस्पेक्ट, इसी के रिस्पेक्ट में हमने ये सारे के सारे फेजर डायग्राम ड्रॉ कर लिए. तो पहला वाला जो फेजर डायग्राम है फॉर फिगर ए, I lag V by phi एंड EB is greater than 2V. अब पहले वाले फेजर डायग्राम में क्या है, EB जो है वो ज्यादा है V से. सेकेंड डायग्राम, IF is increased, so EB is increased and phi is decreased. क्या कर रहे हैं हम, एक्साइटेशन को हमने बढ़ाया, फील्ड करेंट को चेंज किया, तो एक्साइटेशन हमारा चेंज हो जाएगा. बढ़ाएंगे तो एक्साइटेशन हमारा बढ़ गया, EB हमारा बढ़ जाएगा, तो EB हमें ज्यादा मिल रहा है और phi हमारा डिक्रीज हो गया. देखिए इसमें phi की वैल्यू ज्यादा है, इसमें phi की वैल्यू कम हो गई है, मीन्स पावर फैक्टर हमारा इसमें इंप्रूव हो रहा है. केस नंबर थ्री, एट द पर्टिकुलर एक्साइटेशन EB इज इक्वल टू V. अब हम वो कंडीशन की बात करते हैं जब EB और V दोनों इक्वल है. सो द पावर फैक्टर, इस केस में जो पावर फैक्टर रहेगा वो यूनिटी रहेगा और I जो रहेगा वो हमारा मिनिमम रहेगा. मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो 1 हो गया, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में आ जाएंगे. मींस देखिए यहीं पे वोल्टेज बना है और यहीं पे मैंने करंट को बनाया हुआ है और EB ये हमारा बना हुआ है. इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट ऑलवेज हमारा जो है हर केस में हमें ER मिल रहा है. फिगर नंबर 4, फर्दर IF इंक्रीज, फिर भी अगर हम और फील्ड करंट को बढ़ाते हैं सो EB इंक्रीज और EB इज ग्रेटर देन 2V. तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा EB और बढ़ेगा और EB जो है वो ज्यादा हो जाएगा वोल्टेज V से. तो पावर फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, अब इस केस में लीडिंग हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा करंट, देखिए करंट जो है वो हमारा लीड करने लगा है. पहले हमारा करंट वोल्टेज को लैग कर रहा था, बट अब जो है वो करंट है वोल्टेज को वो लीड करने लगा है, तो हमारा जो एंगल होगा वो हमें लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगा. नेक्स्ट फिगर में क्या करेंगे, इफ फर्दर इंक्रीज इन IF, अगर हम और फील्ड करंट को बढ़ाते जा रहे हैं तो EB हमारा फर्दर इंक्रीज होगा और पावर फैक्टर जो है हमारा वो मोर लीडिंग हो जाएगा. और हम इस केस में कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड द ओवर एक्साइटेड कंडीशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर और ये पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस की तरह वर्क करेगा. सो यही एक ही फेजर डायग्राम से हमने फील्ड करंट को बढ़ाते गए और हमारा EB जो है वो चेंज होता गया. In a figure 10, diagram A, EB is less than 2V. The current I lag to the voltage by the angle phi, that is, the power factor is lagging. Diagram में जो पहला diagram बना हुआ है, diagram A, उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, गलत misprint हो गया है. EB जो है वो greater than V लिखा हुआ है, जबकि पहले वाले केस में क्या होगा, back EMF जो है वो हमारा कम होगा voltage से, तभी हमारी under excited condition रहेगी और पावर फैक्टर जो है वो लैगिंग रहेगा. फिगर बी, नाउ एज वी इंक्रीज द एक्साइटेशन EB इंक्रीज, हेंस द एंगल फाई बिकम लेसर
and lesser, that is the shift towards B. The power factor is improving. Remember, I cos phi is constant. Figure 10C, at the particular value of the excitation, EB is equal to V. तीसरी वाली condition. तो इन्हीं तीनों condition में इन जो पांच diagram है इसमें हम starting की जो दो condition है वो under excited है. Center वाली जो C condition है वो normal excitation, जिसको हम बोलते हैं critical excitation. और नीचे वाली जो दो condition है उसको हम बोलते हैं over excited condition of synchronous motor. इनको हम थोड़ा detail में formula base form में देखेंगे next slide में. So EB is equal to V. And this is called the critical excitation, and V and I are in phase and the power factor is unity. Figure 10D, and the excitation further increase, then EB increase and I now lead the V. Thus the power factor is leading. Figure 10E, excitation is further increased, so the angle phi is further increased, then the power factor is also more leading. Thus motor can be made to operate at desired power factor by adjusting excitation, that is the field current. If we plot the locus of only for current I for these condition, figure A to E, and we will be getting following phase diagram. तो ये हमारा जो है ये normal excitation है जिसमें हमारा voltage और current same phase में है. ये हमारे दोनों कंडीशन जो है ये हमारे एक लैगिंग कंडीशन है. मींस डायग्राम ए लैग कर रहा है करंट वोल्टेज को, डायग्राम बी में भी लैग कर रहा है, डायग्राम सी में बराबर हो गया मींस यूनिटी पावर फैक्टर, फिर ये लीड कर रहा है डायग्राम डी में और डायग्राम ई में भी ये लीड कर रहा है. इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द आई एंड आई एफ, सो वी विल गेट द फॉलोइंग नेचर. दस एज आई एफ इंक्रीज देन आई डिक्रीज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टिल सी. At the C, I is minimum. As further IF increase, then I also increase. The graph so obtained shows the shape of English letter V, and hence it is called the V curve. तो इससे हमें ये जो पॉइंट मिले हुए हैं इनको हम ज्वाइन करेंगे तो एक हमें V shape का curve मिलेगा, जिसको हम V curve of synchronous motor बोलते हैं, जो कि हमने previous वाली class में study कर लिया. Graph of IF versus the power factor cos phi is known as inverted V curve. क्योंकि इसका जो shape होता है वो V curve का just opposite होता है, means उल्टा V दिखाई देता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं inverted V curve. ये curve plot होता है हमारा field current और power factor के बीच में. The next topic is under excitation, critical excitation and over excitation of synchronous motor. So first one is a under excitation condition. Under excitation condition या हम कब बोलेंगे कि जो motor है वो under excited है, जब हमारा back EMF less than होगा supply voltage. So in the problem, RA per phase and XS per phase is generally given. Thus the data is useful for finding the internal angle theta. So ZS is equal to under root of R square plus X square. Already we can know that this formula, from which impedance triangle can be constructed. This is called the impedance triangle, or जिसको हम power triangle भी बोलते हैं. This is called impedance triangle. क्योंकि इसमें R और X की combination को हम Z बोलते हैं. This is called the impedance triangle. Power triangle इसलिए बोलते हैं. This is called the active power. R A जो है ये active power कहलाती है. X S जो है वो reactive power कहलाती है. और Z S जो है वो हमारी apparent power कहलाती है. तो इसको हम power triangle भी बोलते हैं. So in this triangle, the cos theta is equal to RA by ZS, or we can say that theta is equal to cos inverse RA by ZS. Thus, theta is formed. This theta remains constant for all conditions. Theta is the internal angle. The value of theta is approximately equal to 90 degree, as RA is very small. So important note is all the value are per phase impedance of the motor is equal to ZS, or EF is equal to I into ZS. So for under excitation, EB is less than V. Lagging power factor condition, IA, or I lags B by the
phi degree. Applying cosine rule to the angle or to the triangle OAB, so we can say that EB square is equal to B square plus ER square minus of 2 into B into ER cos theta minus phi. So finally we get ER is equal to I into ZS. Applying sine rule to the triangle OAB, so EB divided by sine theta minus phi is equal to ER divided by sine delta. So the value of sine delta is equal to ER into sine theta minus phi divided by EB. This is the figure diagram for under excitation condition or lagging power factor condition. Second is over excitation. Over excitation कब होगा मोटर का? जब back EMF जो है वो ज्यादा हो जाएगा हमारा supply voltage से. If the excitation is increased, EB increase. So EB is greater than V. This is called the over excited condition of the synchronous motor. So leading power factor conditions, I lead to V by the angle phi degree. Applying cosine rule to the triangle OAB, so we get EB square is equal to V square plus ER square minus of 2V into ER cos theta plus phi. Applying sine rule to the triangle OAB, so we get EB divided by sine theta plus phi is equal to ER divided by sine delta. So finally we get the sine delta is equal to ER sine theta plus phi divided by EB. So this is for the over excitation condition. This is the phasor diagram for over excitation or leading power factor. इसको हम leading क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो current है वो हमारा voltage को lead कर रहा है by the angle of phi. So this is called the leading power factor condition or over excited condition. इसी condition में जो synchronous machine है वो power factor improvement device की तरह काम करती है. Third one is a critical excitation. Critical excitation में क्या होता है? जब हमारा back EMF जो है सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रिटिकल एक्साइटेशन. इस कंडीशन में फाई जो है वो जीरो होता है, जीरो डिग्री होता है, और वी कैन सी दैट द कॉस फाई इज इक्वल टू 1. सो यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन मींस आई एंड वी आर इन फेज और फाई इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द फेजर डायग्राम. आप इसमें देख सकते हैं आई और जो वी है वो दोनों के दोनों सेम फेज में है. सो दिस इज फेजर डायग्राम फॉर क्रिटिकल एक्साइटेशन और यूनिटी पावर फैक्टर. इसमें भी हम सेम वही करेंगे, अप्लाइंग कोसाइन रूल टू द ट्रायंगल ओएबी, सो वी गेट ईबी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ईआर स्क्वायर माइनस ऑफ 2वी इनटू ईआर इनटू कॉस थीटा. अप्लाइंग द साइन रूल टू द ट्रायंगल ओएबी, सो वी गेट ईबी डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू ईआर डिवाइडेड बाय साइन डेल्टा. सो ई, सो द फाइनली साइन डेल्टा इज इक्वल टू ईआर साइन थीटा डिवाइडेड बाय एबी. सो दिस इज फॉर क्रिटिकल एक्साइटेशन. तो सिंक्रोनस मशीन जो है, सिंक्रोनस मोटर जो है, वो तीनों कंडीशन में ऑपरेट हो सकती है. अंडर एक्साइटेड कंडीशन, नॉर्मल एक्साइटेशन जिसको हम क्रिटिकल एक्साइटेशन भी बोलते हैं, और थर्ड वन इज अ ओवर एक्साइटेड कंडीशन. द नेक्स्ट इज अ रेफरेंसेस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. सो दीज आर द रेफरेंसेस. And thank you for watching this video.